हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इन द गिवन फिगर ट्रायंगल BAC इज सिमिलर टू दिस 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 एंड दिस। देखिए स्टूडेंट्स हमें क्या दे रखा है, ABCDE दो ट्रायंगल्स दे रखे हैं और हमें बताना है ट्रायंगल BAC। देखिए स्टूडेंट्स जब कभी भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए और आपके पास चार ऑप्शंस हैं, सबसे पहले हम इसको कैसे चेक करेंगे। देखिए जो सेंटर एंगल है वो कौन सा है, ए है। तो इन चारों ऑप्शंस में से देखिए कि सेंटर एंगल ए किसमें है, इसमें है। तो सबसे पहले हम इस ऑप्शंस को चेक करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, देखिए BAC ठीक है, यानी सी एंगल और डी एंगल सेम होना चाहिए, बी और ई सेम होना चाहिए, ए और ए होना चाहिए। देखिए ए टू ए हाँ जी कॉमन है, सी कितना है हमारा 90 डिग्री और यहाँ से डी कितना है 90 डिग्री, और बी और ए अलग अलग एंगल्स है, तो इट मीन्स हमारा ऑप्शन होगा बी। बट हम इसको कैसे करेंगे देखिए जरा ध्यान से। इन ट्रायंगल BAC, इन ट्रायंगल BAC एंड अब हमारे पास जो ट्रायंगल है वो क्या बचा, AED बचा, क्या बचा AED ठीक है। AED ले हम, EAD ले, ACB ले या BCA ले, सपोज हमारे पास ऑप्शन नहीं है तो हम क्या लेते हैं, सपोज कीजिए कोई भी ले लीजिए ठीक है। ऐसा ऑप्शन में से सिलेक्ट कर लेते हैं कि ए है तो हम EAD ले लेते हैं ठीक है, या फिर आप EAD ना लेके आप AED भी ले सकते हैं। बट हमने करना क्या है ध्यान से समझिए, जो हमारा ये एंगल है BAC, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल EAD, ये क्या आ गया हमारा कॉमन आ गया, क्या आ गया कॉमन आ गया। उसके बाद ट्रायंगल BCA, एंगल BCA, अब ये चीज ध्यान से देखिए, अब ये ट्रायंगल हमने कौन सा लिया BAC लिया और इसका एंगल हमने क्या लिया BCA, कौन सा लिया BCA, तो इसका भी कौन सा लेंगे EDA। समझना ध्यान से, मैं रफ में समझाता हूं, देखिए BAC है और यहां पे EAD है ठीक है। मैंने क्या किया, इसका जो एंगल लिया इस ट्रायंगल का वो क्या लिया बी एज इट इज और इनको उल्टा कर दिया, तो इसमें भी हम इसका कौन सा एंगल चेक करेंगे, फर्स्ट वाला एज इट इज और बाकी दो उल्टे कर देंगे। तो अगर हम यहां पे EAD की जगह AED भी ले लेते तो भी क्या होता, अगर ये सेटिस्फाई करता तो ही ट्रायंगल सिमिलर होता ठीक है। तो अब देखिए BCA कितना आ गया 90 डिग्री, तो EDA कितना आ गया 90 डिग्री ठीक है। तो उसी तरीके से बाकी जो एंगल रह गया वो कौन सा रह गया, इसमें कौन सा है BAC ठीक है। इसमें एंगल क्या रहेगा, एंगल बी, क्या रहेगा एंगल बी, और इसमें क्या रहेगा कौन सा है EAD में एंगल ई। अब बी एंगल बी और एंगल ई भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्यों होंगे, एज टू एंगल्स आर इक्वल, अगर कोई टू एंगल्स इक्वल है तो इसका मतलब थर्ड एंगल भी क्या होगा हमारा इक्वल होगा ठीक है। तो अब हम इससे क्या कहेंगे, देयरफॉर बाय एंगल 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 क्राइटेरिया ट्रायंगल BAC इज सिमिलर टू ट्रायंगल EED ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब स्टूडेंट्स इसमें मोस्टली बच्चे क्या गलती करते हैं कि देखिए EAD और AED ट्रायंगल तो दोनों सेम है ठीक है, बट इसमें जो मिस्टेक होती है वो हमसे यही होती है कि हम उसको चेक नहीं कर पाते ठीक है। तो वो हम कैसे चेक करेंगे, वो हम इसी से चेक करेंगे ठीक है। BAC EAD अगर हमने इसका जो एंगल लिया है वो क्या लिया है BCA और इसका एंगल क्या लिया है EDA, अगर आप इसको इसमें करके देखेंगे तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।